जी, ये मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म थी और ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। हंसल मेहता जैसे डायरेक्टर एक नया होराइज़न खोल रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी था कि ऑडियंस को नई तरह की कहानियाँ सुनने को मिले और ये एक और कदम है उसकी तरफ। डेफिनेटली इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड दीज आर द टाइम्स वेयर वी शुड टेल ऑल दीज न्यू स्टोरीज एंड इट्स एन ओपनिंग अप फॉर us as a makers and for our audience. So it's a growing industry in terms of you can say in terms of stories, in terms of thinking. So we need these gutsy directors to come up and give us a new big movie. Sir, iske alawa Aligarh bahut sare festivals se gayi hai lekin commercially matlab is tarah ki film acha nahi kar pati, to uske liye kya reason hai? Uska ek hi reason hai ki hum डायरेक्टर्स थोड़े डरपोक हैं, कहानियाँ सुनाने से डरते हैं, इसलिए ऑडियंस को आदत नहीं पड़ती। तो अब जितनी ये कहानियाँ हम सुना पाएंगे, जितने गट्स के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे, ऑडियंस को इस तरह की कहानियों की आदत पड़ेगी और वो बॉक्स ऑफिस पे भी दिखेगा। हाँ जी, कहानी पे काम कर रहा हूँ, जल्दी बताता हूँ। वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक हैं और मैं हमेशा से चाह रहा था कि कुछ मिलके करें, तो अब मौका मिल रहा है तो कर रहे हैं। उसके बारे में अनुराग बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। थैंक यू सो मच।